चैनल ऑनलाइन वरदान माइसेल दीपाली वर्मा एंड टूडेन्शन स्ट्रक्चरल चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ स्टार्टिंग इनडिटर स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर बिलो ठीक है यह हमारा प्लेन स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें हमें बताना क्या है हमें बताना है कि स्टार्टिंग इंडिटेमिनेसी इस स्ट्रक्चर की हमारी कितनी होगी तो चलो देख लेते हैं फॉर प्लेन स्ट्रक्चर क्या होगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर मिनेसी कितनी होगी हमारी डी एस इज इक्वल टू एम प्लस आर ई माइनस टू जे ठीक है अब क्या है कि गिवन प्रेम में हमारे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारे मेंबर्स कितने हैं तो हमारे मेंबर्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो हमारे यहाँ पे टेन मेंबर्स हैं क्लियर हो गया फिर हमारे रिएक्शंस कितने हैं यहाँ पे? तो रिएक्शंस यहाँ पे कितने आएंगे टू यहाँ पे कितने आएंगे टू दैट इज़ फोर हो गए हमारे फिर अब जे यानी कि हमारे जॉइंट्स कितने हैं तो जॉइंट्स हम देखेंगे हमारे कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये हमारे जॉइंट्स हो गए तो हमारे जॉइंट्स कितने हो गए फाइव क्लियर हो गया अब चलो हमें क्या करना है फटाफट सारी वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेट करना है तो टेन प्लस आर ई हमारा कितना हो जाएगा फोर माइनस टू इंटू फाइव यानी कि हमारा फोर्टीन माइनस टेन विच विल बी इक्वल टू फोर यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटेमेंसी हमारी कितनी होगी बी ऑप्शन दैट विल बी फोर क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अ रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटर्मिनेट ठीक है एक हमारा रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम है जो स्टेबल भी है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है ठीक है तो अगर इस कंडीशन में अगर वो है तो हमारा फिर क्या होगा ठीक है तो वो हमारा कौन सा कंडीशन इन चारों में से हमारा कौन सा कंडीशन शो करेगा इस कंडीशन को यानी जिसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि हमारा स्टेबल भी है और स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है तो इस केस में हमारा हो जाएगा थ्री एम प्लस आर माइनस थ्री जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डिटर्मिनेट तो हमारी इनडिटर्मिनीसी क्या होगी यहाँ पे? ज़ीरो होगी ठीक है तो अब इसको देख लेते हैं थ्री एम प्लस आर इज इक्वल टू थ्री जे क्लियर हो गया अब चलो देख लेते हैं कौन सा हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन थ्री एम प्लस आर इज इक्वल टू थ्री जे इट विल बी ऑप्शन सी ठीक तो है तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है बाकी आपको पता ही है एम हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स में आर हमारा नंबर ऑफ रिएक्शन है जे हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट है क्लियर हो गया चलो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वट इज स्टार्टिंग एंड काइनामेटिक इन डिटर्मिनेशीज ऑफ अ टू स्टोरी टू बे फ्रेम हैविंग फिक्स सपोर्ट एट बेस ठीक है two two frame, अब उसने क्या बोला है कि हमारा टू स्टोरे टू बे फ्रेम है ठीक है तो हमारा क्या हो गया पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो हमारा ये क्या हो गया ये हमारा हो गया टू स्टोरे और टू वे फ्रेम क्लियर हो गया अब चलो अब इसमें क्या बोल रहा है? इसने पूछा है कि व्हाट इज द स्टैटिक एंड काइनामेटिक डिटर्मिनेसी यानी इस फ्रेम स्ट्रक्चर का हमें क्या निकालना है पहले तो स्टैटिक इनडिटिनेसी फिर हमें ये दोनों हमें कैलकुलेट करने इस के लिए तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले क्या पूछा है? Static, तो स्टैटिकल टू थ्री एम प्लस आर ई माइनस थ्री जे माइनस आर आर क्लियर हो गया चार आगे देखते हैं इसको वैल्यूज़ रख लेते हैं क्या हो गया पहले थ्री इंटू मेम्बर्स कितने हैं हमारे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन मेम्बर्स हो गए हमारे ठीक है रिएक्शन हमारा कितना आ रहा है रिएक्शन हमारा आ रहा है थ्री 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 यानी कि नाइन माइनस थ्री इंटू अब क्या है जॉइंट्स तो हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नाइन जॉइंट्स हो गए क्लियर हो गया अब रिएक्शंस कितने आ रहे हैं तो उसने क्या बोला है यहां पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि हमारे डिजिट जॉइंट तो हमारा रिएक्शन यहाँ पे जीरो आएगा ठीक है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कितना आ रहा है ये हमारा ये आएगा हमारा ट्वेल्व ठीक है चलो आगे देख लेते हैं काइनेमेटिक एन डेटर मैंने सी कितना आएगा हमारा काइनेटिक इन डी के इज इक्वल टू थ्री जे माइनस आर ई तो थ्री इंटू जॉइंट्स कितने थे हमारे नाइन थ्री इंटू नाइन माइनस आर ई कितना था हमारे यहाँ पे नाइन तो कितना आएगा हमारा एटीन यानी कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर जिसमें हमारा स्टैटिक इंडिटमिनेसी ट्वेल्व है और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी हमारी एटीन है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ कैंटी कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रॉप ओके एट इट्स फ्री एंड इट्स स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी विल बी तो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमारा क्या है कि कैंटिलीवर बीम है इज प्रोवाइडेड विद अ वर्टिकल प्रॉप यानी कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है सिंपल सी बात फिर एट इट्स फ्री एंड अब जो हमारा जो लोड है वो कहाँ पे है फ्री एंड पे है क्लियर फिर इट्स स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी विल भी अब क्या है उसका हमें क्या निकालना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी तो वो कितना आएगा हमारा तो देखो ये चीज हम देख लेते हैं कि केस ऑफ केस ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर अलोंग With the cantilever reactions, there will also be a reaction from the free end. Okay? Therefore, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर मिनेसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शन माइनस क्या होगा हमारा नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इक्बर्रियम इक्वेशन ठीक है तो अब हमारा इस केस में यानी कैंटिलीवर बीम में हमारा नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना आएगा तो नंबर ऑफ़ रिएक्शंस हमारा आ जाएगा यहाँ पे फोर और उसके बाद हमारा जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे थ्री ठीक है तो कितना आ जाएगा हमारा डिग्री ऑफ स्टैटिक एंडिटमिनि वो आएगा हमारा वन ठीक है तो यानी अब इसमें हम क्या करेंगे इंक्रीज बाय वन या क्योंकि यहाँ पे प्लस वन आ रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ बीम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स ठीक है तो हमें क्या निकालना है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना है कौन सी बीम का जो बोथ एंड पे हमारी फिक्सड है ठीक है तो ये हमारी फिक्स्ड बीम हो गई अब इसकी हमारी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इन कितनी होगी हमारी डी एस इज इक्वल टू आर ई माइनस थ्री यानी कि सिक्स माइनस थ्री दैट विल बी इक्वल टू हमारा क्या होगा थ्री अब ये सिक्स कैसे आया यहां से थ्री यहां से थ्री ठीक है दोनों को ऐड किया हमारा सिक्स आ गया क्लियर हो गया दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब क्या है कि द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिडंडेंट रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑप्टेंड यूजिंग ठीक है तो रिडंडेंट स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में तो वो हमें किससे मिल सकता है वो हमें मिलेगा हमारा म्यूलर बिस्लाव प्रिंसिपल से ठीक है अब म्यूलर बिस्लाव प्रिंसिपल होता क्या है तो इट स्टेट्स दैट इन्फ्लुएंस लाइन फॉर अ फंक्शन कैसा फंक्शन यानि कि रिएक्शन शेयर मूमेंट ठीक है एज टू द Same scale as the deflected shape of the beam when the beam is acted on by the फंक्शंस ठीक है तो म्यूलर प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है वो बोलता है कि जो इन्फ्लुएंस लाइन है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि फंक्शन कुछ भी हो सकता है रिएक्शन शेयर या फिर मोमेंट इज टू द सेम स्केल क्या है यहां पे सेम स्केल ये चीज ध्यान रखनी है एज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम यानी कि जो डिफ्लेक्टेड शेप है और जो फंक्शन है हमारा उसका जो स्केल है वो सेम होना चाहिए फिर क्या है शेप ऑफ द बीम वेन द बीम इज एक्टेड बाई द फंक्शन ठीक है यानी कि जब भी ये चीज यानी कोई रिएक्शन एक्ट करेगा किसी बीम पे या फिर शेयर एक्ट करेगा या फिर मोवमेंट एक्ट करेगा तो जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा वो भी सेम स्केल पे चेंज होना चाहिए ठीक है तो यही हमारा क्या बताता है म्यूलर बिसाओ प्रिंसिपल को बताता है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट ए बाई ड्रॉइंग आई एल डी फॉर द गिवन बीम वुड बी ठीक है अब क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रिएक्शन यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है रिएक्शन की किस पॉइंट पे ए पॉइंट पे ठीक है ए पॉइंट पे निकालना है कैसे बाई ड्रॉइंग आई एल डी यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करके हमें निकालना है वैल्यू ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट ए क्लियर हो गया चलो सबसे पहले अब इसका आई एल डी ड्रॉ कर लेते हैं हम तो इसका आई एल डी ड्रॉ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा देखो ये बीम है इसको ही नीचे हम एक्सटेंड कर लेते हैं ठीक है सॉरी ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन ठीक है और इसका जो हमारा ILD फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा ठीक है इस तरह से हमारा ILD ये फॉर्म होगा अब क्या है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ए पॉइंट को लिफ्ट किया किससे वन यूनिट से, से ठीक है तो हमारा ये कितना आ जाएगा अगर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फोर बाई फाइव यानी कि ये हाइट और ये आ जाएगा हमारा वन बाई फाइव ठीक है क्लियर हो गया तो अब क्या करना है हमें रिएक्शन निकालना है डायरेक्ट तो रिएक्शन आठ ए विल बी आर ए इज इक्वल टू एट इंटू फोर बाई फाइव ठीक है यहाँ पे कितना लोड एक्ट हो रहा है एट तो एट इंटू फोर बाई फाइव प्लस अब यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा ट्वेल्व तो ट्वेल्व इंटू वन बाई फाइव बाहर ये टी कॉमन रहेगा ठीक है अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 44 फोर बाई फाइव टी विच विल बी इक्वल टू एट पॉइंट एट टी क्लियर हो गया हमने क्या किया पॉइंट ए को यूनिट से लिफ्ट किया ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या निकाला हमने इस वैल्यू को निकाला तो ये फोर बाई फाइव आई यहाँ के इस साइड को निकाला तो वन बाई फाइव आई फिर उससे हम प्रपोर्शनेट करके अब हम लोड को सॉल्व करके हमारा रिएक्शन एट ए निकाल लेंगे क्लियर हो गया चलो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ठीक है तो क्या हो गया हमारा कि असिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 19 मीटर ठीक है स्पैन की लेंथ हमें कितनी दे रखी है 19 मीटर एंड अ राइज ऑफ 4 मीटर इज हिंस्ड ठीक है क्या राइज कितना दे रखा है हमारा राइज हमारा 4 मीटर का दे रखा है और बोल रहा है हिंस्ड एट स्प्रिंगिंग्स ठीक है फिर क्या है नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है इट सपोर्ट्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1.5 टन पर मीटर रन ऑफ द स्पैन ठीक है फिर क्या बोल रहा है द हॉर्जोंटल थ्रस्ट इन टन्स एट ईच ऑफ द स्प्रिंगिंग इज ठीक है तो हमें क्या पूछ रहा है वो हमारा पूछ रहा है कि हॉर्जोंटल थ्रस्ट इन टंस ठीक है हॉरिजोंटल थ्रस्ट निकालना है हमें किसमें टंस में निकालना है ओके okay. तो यहाँ पे हमें लोडिंग भी ऑलरेडी टन में ही दे रखी है तो कोई इशू नहीं है तो सिंपल सी बात है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है डब्लू एल स्क्वायर अपॉन एट एच ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो डब्लू यहाँ पे कितना दे रखा है 1.5 टन पर मीटर ठीक है हाइट सेंटर राइज कितना दे रखा है सेंटर राइज हमें दे रखा है 4 मीटर का ठीक है फिर उसके बाद क्या है कि हमारा और क्या दे रखा है हाँ स्पैन का लेंथ तो लेंथ हमें कितना दे रखा है 19 मीटर अब एक चीज़ और इसने बोला है कि जो कंडीशन इसने बताई है तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो ये हमारा टू हिंच आर्च है ठीक है ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा ये सेंटर वाला हमें जो दे रखा है ये हिंच नहीं है इसे आप लोग हिंच मत समझ लेना टू हिंच आर्च है ठीक है दो जगह सेंटर राइज हमें फोर मीटर दे रखा है स्पैन लेंथ हमें नाइनटीन मीटर दे रखा है क्लियर हो गया और उसने बोला है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो है हमारा 1.5 टन पर मीटर क्लियर हो गया चलो आगे सॉल्व करते हैं अब हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है इसका तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 पॉइंट एल कितना है 19 का होल स्क्वायर अपॉन एट इन टू एच एच कितना है हमारा फोर मीटर अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा सिक्सटीन पॉइंट नाइन टू टू विच विल बी नियर टू सिक्सटीन पॉइंट नाइन टू टन्स क्लियर हो गया यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आप इजिली कर पाओगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अकॉर्डिंग टू एडीज थ्योरम द बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इन एन आर्च इज प्रोपोर्शनल टू ठीक है तो उसने क्या बोला है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे किसमें आर्च के केस में प्रोपोर्शनल टू अब प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा तो वो होगा हमारा इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्चुअल आर्च एंड द लीनियर आर्च ठीक है इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्चुअल आर्च एंड द लीनियर आर्च अब क्या है कि इस एडीज थ्योरम होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग Eddy's theorem states that the bending moment at any section of an arch is proportional to very intercept between the linear arch and the center of एक्चुअल आर्ट्स ठीक है अब आपको जस्टिफाई भी कर दिया मैंने आंसर पूरा क्लियरली बता भी दिया कि क्या स्टेटमेंट होगा तो बेंडिंग मोमेंट हमारा किसी भी सेक्शन पे आर्च के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके द इंटरसेप्ट बिटवीन द लीनियर आर्च और द सेंटर ऑफ एक्चुअल आर्च ठीक है तो हमारा वो क्या होगा वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इन द सेंस कि बेंडिंग मोमेंट हमारा जो है वो इंटरसेप्ट के दोनों किसके किसके बीच में सेंटर ऑफ द एक्चुअल आर्च और लीनियर आर्च के क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ थ्री पैराबोलिक आर्च ठीक है कैरिंग अ यूनिफॉर्मिटी डिस्ट्रीब्यूटेड लुक ठीक है यूडीएल है है ऑन द एंटायर स्पैन तो क्या बोल रहा है? कि द बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन विल बी ओके सॉरी द बेंडिंग मोमेंट विल बी तो द बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि चारों केस में कौन सा केस हमारा सही है तो so, देखो मैक्सिमम एट द क्राउन होगा या फिर मैक्सिमम एट द क्वार्टर स्पैन होगा या फिर ज़ीरो एट द सेंटर होगा या फिर ज़ीरो थ्रू आउट द स्पैन होगा तो हमारा ये क्या होगा कि थ्री इंच के केस में हमारा जो होता है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है थ्रू आउट द स्पैन तो फॉर थ्री हिंच पैराबोलिक आर्च कैरिंग अ यूडीएल ऑन एंटायर स्पैन द बेंडिंग मोमेंट विल बी ज़ीरो थ्रू आउट द स्पैन ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन कॉलम एनालॉजी द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन एल एंड फ्लैक्जरल रिजिडिटी ऑफ ई आई इज टेकन एज तो हमारा इसमें क्या होगा कॉलम एनालॉगी मेथड में हमारा जो एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम होगा फॉर अ फिक्स्ड बीम ठीक है फिक्स्ड बीम के केस में जिसका स्पैन जो है वो एल है और फ्लैक्जरल रिजिडिटी ई आई है तो उस केस में हमारा क्या होगा उस केस में हमारा होगा एल बाई ई आई ठीक है हमारा ये एल बाई ई होगा कैसे तो देखो द कॉलम एनालॉगस मेथड इज अ फोर्स मेथड यूज टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर तो पहले ये मैंशन कर लेते हैं ये पॉइंट क्या बोला मैंने कि द कॉलम एनालॉगस मेथड यानी कि इट इज द फोर्स मेथड ठीक है कैसा मेथड है ये फोर्स मेथड है यूज टू एनालाइज द इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ठीक है अब क्या है कि एन एलोनोग कॉलम इज अ शॉर्ट कॉलम विथ क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस एल एंड वन बाई ई आई तो अब क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें कि इट एज अ शॉर्ट कॉलम विथ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन डायमेंशंस एल एंड वन बाई ई आई ठीक है फिर क्या बोल रहा है कि तो अब क्या होगा कि द एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम वुड भी अब डायमेंशन इसका क्या है एल इन और एल और वन बाई ई आई तो अब क्या है हम क्या करते हैं कि जब डायमेंशन को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किसके लिए एरिया के लिए तो अब इसके डायमेंशन को हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अब क्या है एरिया ऑफ एना लॉगस कॉलम वुड बी कितना आ जाएगा एल इन वन बाई ई आई दैट विल बी एल अपॉन ई आई ठीक है यानी ऑप्शन ए मैंने आपको पहले ही बताया ये भी दिखा दिया कि कैसे आया क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बी ऑफ स्पैन एल इज सब्जेक्टेड टू अ क्लॉक वाइज मोमेंट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम एंड ए ठीक है, फिर फ़िक्स्ड एंड मोमेंट एट एंड ए विल भी हमें क्या निकालना है फ़िक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है कहां पे एंड ए पे ठीक है चलो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब क्या होगा ये कि फ़िक्स्ड एंड मोमेंट्स जनरेटेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट एम ऑन अ बीम fixed एट बोथ एंड्स विल बी क्या होगा आप देखो फिगर कुछ इस तरीके से आएगा ये हमारा फिक्स्ड एंड हो गया बोथ एंड पे और यहाँ पे हमारा मोमेंट एम अप्लाइड है ये डिस्टेंस जो है वो ए है और ये डिस्टेंस जो है वो बी है ठीक है वो बी है क्लियर हो गया तो देखो अब हमारा क्या होगा ये हो गया ए ये हो गया हमारा एंड बी चल अब क्या निकालना है हमें एम ए बी देख लेते हैं पहले तो क्या होगा प्लस एम बाय एल स्क्वायर ब्रैकेट में एल माइनस थ्री ए इंटू बी ठीक है इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे एम बी ए तो एम बी ए कैसा आएगा प्लस एम बाई एल स्क्वायर एल माइनस थ्री बी इंटू ए क्लियर हो गया अब क्या है कि पॉजिटिव साइन हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो मूवमेंट आ रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज है ठीक है तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स क्लॉकवाइज मूमेंट सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज दी हुई है कि L इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है अब क्या होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इज इक्वल टू एल माइनस ए ठीक है फिर क्या होगा एम ए बी कितना हो जाएगा हमारा m बाई एल स्क्वायर एल माइनस थ्री ए और b की जगह हम क्या लिखेंगे b की वैल्यू हमने क्या निकाली है l माइनस ए ठीक है इसको अब क्या कर लेंगे इसको अगर हम देख लेते हैं तो हमारा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है या फिर हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा इसको देख लेते हैं एक बार तो ये हमारा मैच कर रहा है और किससे हमारे ऑप्शन बी से यानी कि हमें उसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें आंसर यहाँ पे ही मिल गया इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना है क्लियर हो गया तो हमारा जो एंड ए पे मूवमेंट आएगा वो हमारा आएगा एम बाई एल ब्रैकेट में एल माइनस थ्री ए और इन टू एल माइनस ए क्लियर हो गया समझ में आगे सबको ये क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इफ डब्ल्यू इज अ लोड ऑन अ सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस आर द मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्लैब इज तो क्या पूछ रहा है ये मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट कहाँ पे सेंटर ऑफ द स्लैब पूछ रहे तो चलो देख लेते हैं हमारा क्या है रेडियल मूवमेंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर स्लैब एम आर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय सिक्सटीन इंटू थ्री प्लस म्यू इन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ठीक है तो ये होता है हमारा मोमेंट ठीक है रेडियल मोमेंट हमारा ये होता है जिसमें अब बता देते हैं आर क्या होगा आर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ स्लैब म्यू इज़ पॉइजन रेशियो Small R is equal to any section at a distance R from centre of the slab. Capital W is equal to load on circular slab. ठीक है आप क्या बोल रहे हैं उसने पूछा है मैक्सिमम रेडियल मूवमेंट तो फॉर मैक्सिमम रेडियल मोमेंट क्या होता है हमारा आर हमारा जीरो होता है और म्यू भी हमारा जीरो होता है तो चलो वैल्यूज रख देते हैं किसकी किसकी आर और म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है तो हमारा एम आर मैक्स कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा w बाई सिक्सटीन इंटू थ्री हो गया थ्री प्लस ज़ीरो हमारा थ्री आ गया इंटू आर स्क्वायर माइनस जीरो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ठीक है अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये हमारा थ्री w आर स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ए तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर चीज आपको ध्यान रखनी है अगर ये याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट मैथड अब उसने क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है कि कौन सा मेथड इन चार मेथड में हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है तो कौन सा नहीं है हमारा कॉलम एनलॉगी मेथड ठीक है अब देख लो डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारा क्या होता है अब इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द प्राइमरी अनोन्स आर डिस्प्लेसमेंट्स तो जो हमारे प्राइमरी अननोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं तो इस मेथड में क्या है कि पहला जो हमारा होता है वो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशंस ठीक है विच आर कंप्यूटेड एंड सब्सिक्वेंटली इक्वेशंस आर रिटर्न सेटिस्फाइंग इक्वली प्रियम कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ठीक है फिर हमारा क्या है कि जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड के वो हमारे कौन कौन से हैं वो है हमारे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कौन कौन से हमारा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ठीक है दूसरा हमारा कौन सा हो गया मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमारा यहाँ मेंशन ही है फिर तीसरा कौन सा हो गया हमारी िस स्टिफनेस मेथड यानी कनीस मेथड हमारा यहां पे ऑलरेडी है फिर क्या हो गया हमारा कास्टिक फर्स्ट थ्योरम ठीक है पे मेंशन कर लेते हैं कास्टी ग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम मेथड ठीक है फिर क्या है कि हमारा जो कॉलम एनालॉगी मेथड है वो हमारा ऑप्शन मतलब हमारा ये क्या होता है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं ये हमारा होता है फोर्स मेथड ठीक है इट इज फोर्स मेथड क्लियर हो गया समझ में आ गया सबको ये चीज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कॉन्जुगेट बीम द एक्चुअल बीम ओके तो अब क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है हमसे कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है एट एनी सेक्शन कॉन्जुगेट बीम में तो एक्चुअल बीम में वो क्या शो करता है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार वो हमारा वैसे मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकती हूँ कि वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है ठीक है यानी कि हमारा जो बेंडिंग मूवमेंट है हमारे कॉन्जुगेट बीम में वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा हमारे एक्चुअल बीम में ठीक है अब क्या है इसको एक बार मेंशन कर ही लेते हैं आपको ध्यान रहेगा Bending moment at any point or section in a conjugate beam gives deflection at that point or सेक्शन इन रियल बीम ठीक है अब एक चीज और देख लेते हैं कि हमारा शेयर फोर्स क्या शो करता है शीयर फोर्स एट एनी पॉइंट और सेक्शन इन कॉन्जुकेट स्लोप एट दैट पॉइंट और सेक्शन एन रियल बीम क्लियर हो गया तो हमारा क्या शो करता है हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है और हमारा जो शियर फोर्स है वो हमारा स्लोप शो करता है एट दैट पॉइंट क्लियर हो गया पेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन शेयर फोर्स हमारा स्लोप क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लैप्रॉन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ अब क्लैप्रॉन्स थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ थ्री मूवमेंट्स उसको और score क्या बोलते हैं हम कि थ्योरी ऑफ थ्री मोमेंट्स यानी कि द थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट्स इज अ सॉरी ज अ रिलेशनशिप एमंग द बेंडिंग मूवमेंट्स एट थ्री कंजीक्यूटिव सपोर्ट ऑफ अरिजोंटल बीम इट इज डेवलप्ड बाई क्लेप्रॉन और इसीलिए इसको क्लेप्रॉन्स थियोरम भी बोलते हैं ठीक है तो इसको मैंशन कर लेते हैं हम लोग कि द्योरी ऑफ थ्री मूवमेंट इज अ रिलेशन शिप Among the binding moments at three consecutive supports of a horizontal beam. ठीक है फिर इट वॉज डेवलप बाय क्लेपेरॉन ठीक है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं क्लेपेरॉन्स थ्योरम क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मूवमेंट्स रिक्वायर टू रोटेट द नियर एंड ऑफ अ प्रिजमेटिक बींग द मोमेंट रिक्वायर टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिसमेटिक बीम थ्रू अ यूनिट एंगल ठीक है हमें क्या करना है कि हमें रोटेट करना है किसको हमारे प्रिस्मेटिक बीम को एक यूनिट एंगल से तो हमारा जो मोमेंट आएगा वो फिर हमें कितना मिलेगा तो इफ़ अ यूनिट रोटेशन इज टू बी कॉज्ड एट एन एंड ए फॉर द फार एंड बींग हिंज सपोर्टेड फिर क्या कि मोमेंट ऑफ़ बी एट द एंड जो स्टिफनेस होगा हो हो मेंबर का वो भी हमारा कितना होगा थ्री ई आई बाई एल यानी आंसर तो हमें पता चल गया कि आंसर हमारा क्या है ए लेकिन इसको एक बार हम मैंशन भी कर लेते हैं चलो क्या बोला है यूनिट rotation that is unit angle rotation is to be caused at an and any one end like that you at one end ठीक है एट वन एंड हो गया हमारा for the far end being hinged support moment of 3e i by l is to be applied at the end and hence stiffness for the member is said to be 3 ei by l ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा अ प्रिजमेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सल रिजिडिटी ई आई इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन लेंथ ऑफ एल इफ अ मोमेंट एम इज अप्लाइड ऑन वन सपोर्ट द रिजल्टिंग बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी इज तो रिजल्टिंग बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी इन अ प्रिजमेटिक बीम तो हमारा क्या होगा बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी एन प्रिस्मेटिक बीम क्या होगा हमारा यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल बाई टू ई आई ठीक है क्लियर हो गया यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है हमारा एम स्क्वायर एल अपॉन टू ई आई दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो कौन सा है क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग बीम ठीक है हमें एक बीम दे रखा है अब इसमें हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बीम तो अब पूछ क्या रहा है हमसे हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ स्लोप एट बी वुड बी ठीक है यानी कि हमसे क्या हमें क्या बताना है हमें बताना है स्लोप कहाँ पे बी पे यानी इस पॉइंट पे हमें बताना है स्लोप ठीक है देख लेते हैं तो कैसे होगा रोटेशनल स्टिफनेस ठीक है हमसे उसने स्लो पूछा है यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ जॉइंट बी अब रोटेशनल स्टिफनेस कितनी होगी हमारी तो वो होगी हमारी एम बी अपॉन थीटा बी विच विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के ठीक है समेशन ऑफ के हमारा कितना हो जाएगा एम बी अपॉन थीटा बी विच विल बी इक्वल टू के बी ए प्लस के बी सी ठीक है यानी कि के बी ए और के बी सी चलो अब लिख लेते हैं इसको कितना होगा हमारा मोमेंट हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे? तो टेन इंटू थ्री का यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा ठीक है ये टेन इंटू ये थ्री आ जाएगा तो ये हमारा कैसा मोमेंट आ जाएगा ये हमारा हम मान लेते हैं क्लॉक वाइज मोमेंट ठीक है ये हमारा थर्टी न्यूटन मीटर का मोमेंट आ जाएगा तो ये हम थर्टी मैंशन कर देते हैं और थीटा बी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है के बी ए हमारा कितना होगा फोर ई आई अपॉन नाइन प्लस फोर ई आई अपॉन एल ए ठीक है ये नाइन मीटर चलो हो गया तो ये कितना हो जाएगा एट ई आई अपॉन नाइन थर्टी अपॉन थीटा बी तो थीटा बी की वैल्यू कितनी आएगी थर्टी इंटू नाइन अपॉन एट ई आई ठीक है अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है फर्दर ये कितना आ जाएगा वन थर्टी फाइव अपॉन फोर ई आई यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया कैसे करना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर अ कैंटी मेंबर इज तो द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यानी डी एफ की वैल्यू बतानी है किसके लिए कैंटिलीवर मेंबर के लिए, लिए ठीक है तो वो हमारा पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि वो कितना होता है तो सबसे पहली बात है वो वैल्यू होती है हमारी जीरो कैंटी मेंबर के लिए हमारी जीरो होती है समझ में आ गया अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता क्या है तो डिस्ट्री distribution factor is a ratio of relative stiffness of a member to sum of stiffness, ऑफ़ ऑल मेंबर्स एट अ ज्वाइंट यानी कि इसको हम और किस तरीके से ले सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू के अपॉन समिशन ऑफ के आई ठीक है समझ में आ गया और इस कैंट लिवर के लिए हमारा क्या होता है कैंट लिवर के लिए हमारा ज़ीरो होता है और अगर हमारा फार एंड जो है वो हिंज है तो हमारा क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्लियर हो गया चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्वेंटी थ्री द फिक्स एंड मोमेंट एट ए फॉर द स्ट्रक्चर शोन बिलो ठीक है यहाँ पे हमें फिक्सड एंड मोमेंट निकालना है ओके okay, चलो देख लेते हैं फिर तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डी है कितना हमारा डी पे हमारा लग रहा है ट्वेंटी किलो न्यूटन और यहाँ पे फोर मीटर पे हमारा पॉइंट सी है तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके सी पे लेके आएंगे तो 20 इंटू फोर क्या हो जाएगा हमारा 80 ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 80 का हमारा क्या लगेगा सॉरी मैंने डायरेक्शन गलत बना दिया ये इधर से आएगा यानी कि ये हमारा एंटी क्लॉक वाइज बनेगा तो ये हमारा कितने का आएगा 80 किलो न्यूटन मीटर ठीक है अब यहाँ से ये मोमेंट हमारा इस पर भी ट्रांसफर हो जाएगा अब ये वर्टिकल है तो यहाँ पे ये कोई ऐसे ट्रांसफर क्या कहते हैं कि मोमेंट एज इट इज़ ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारा जो मूवमेंट ट्रांसफर आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे भी तो ये क्या हो जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर अब यहाँ से हमें क्या देखना है और ये लोड जो है एज इट इज यहाँ पे भी जैसे ट्रांसफर होगा हो ठीक है तो ट्वेंटी अब ट्वेंटी क्या कहते हैं कि हमारा यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा लोड वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ट्वेंटी हुआ तो यहाँ पे हमारा 20 किलो न्यूटन एज इट इज ट्रांसफर हो गया और यही लोड फिर यहाँ पे भी हमारा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा दैट विल बी 20 किलो न्यूटन ठीक है तो अब ये चीज़ एज इट इज़ हमारी ट्रांसफर हो गई अब हमें क्या करना है अब हमें ये सारे पार्ट को भूल जाना है हमें सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करना है ठीक है यानी कि हमारा ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इस पार्ट पे अब हमें फोकस करना है क्लियर हो गया तो अब उसको देख लेते हैं हम कि हमारा क्या होगा हमें किस पे निकालना है फिक्सड एंड मूवमेंट निकालना है हमारा पॉइंट ए पे तो क्या हो जाएगा हमारा मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू अब देखो ये मोमेंट तो हमारा एज इट इज आ रहा है एंटी क्लॉक तो हमारा एंटी क्लॉक आ जाएगा माइनस फोर्टी किलो न्यूटन मीटर चलो ठीक है यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है अभी ठीक है माइनस फोर्टी हो जाएगा सॉरी माइनस एटी हो जाएगा फोर्टी नहीं ये एंटी क्लॉक हमने ले लिया इसको तो फिर हमारा क्या होगा अब इस लोड की वजह से हमारा कितना आ रहा है मोमेंट ए पे तो वो आएगा 20 यानी प्लस क्योंकि ये देखो क्लॉकवाइज जा रहा है वहाँ पे तो 20 इंटू टू ठीक है तो अब ये कितना हो जाएगा माइनस फोर्टी न्यूटन मीटर अब ये माइनस आपको ऑप्शन में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने जो डायरेक्शन लिया है मे बी उसके अपोजिट उसका डायरेक्शन आ रहा होगा जैसे कि हमने एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे देख हमने सोचा एंटी क्लॉक वाइज आएगा लेकिन यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज नहीं क्लॉक वाइज डायरेक्शन आएगा इस वजह से यहाँ पे ये माइनस आ रहा है क्लियर हो गया तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना होगा 40 किलो न्यूटन मीटर हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगा समझ में आ गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फोर्स मेथड अभी मैंने इससे पहले हमने किससे किसकी बात की थी इससे पहले हमने बात की थी अपने डिस्प्लेसमेंट मैथड की ठीक है अब हम किसकी बात कर रहे हैं अब हम अपने बात कर रहे हैं फोर्स मैथड की तो अब हम देख लेते हैं लिस्ट बना लेते हैं पहले तो हमारे फोर्स मेथड कौन कौन से होते हैं पहला है वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड दूसरा है हमारा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉल्ट मिशन ठीक है तीसरा है हमारा थ्री मोमेंट थ्योरम चौथा है हमारा कॉलम एनालॉगी मेथड ये तो मैंने आपको पीछे बताया भी था कि कॉलम एनालॉगी मेथड हमारा कैसा मेथड है फोर्स मेथड है ठीक है चल आगे देखते इलास्टिक सेंटर मेथड नेक्स्ट है, है हमारा कास्टी ग्लियानो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी ठीक है और सेवेंथ कौन सा हमारा मैक्सवेल मोहर इक्वेशन ठीक है क्लियर हो गया तो चलो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा हमारा किसके नीचे न, किसके अंडर में नहीं आता फोर्स मेथड के अंडर में नहीं आता वो है हमारा मेथड ये हमने पीछे भी देखा था ठीक है वो हमारा फोर्स मेथड नहीं है चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ फिक्स्ड बीम शोन बिलो द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट सपोर्ट बी अब यहाँ पे हमें क्या सपोर्ट बी पे निकालना है क्या निकालना है फिक्स्ड एंड मोमेंट चल देखते हैं इसको कैसे करना है ये हो गई हमारी बीम ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है या फिर यहाँ पे ही देख लो अब देखो ये बीम हो गई हमारी ये डिफ्लेक्शन कितने का आ रहा है ये है हमारा थीटा बी यानी थीटा बी हमारा जो हो गया वो उसको हो गया स्लोप हमारा ठीक है अब ये यहाँ पे ही एक मोमेंट हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो फिक्सड एंड मोमेंट आ रहा है वो है हमारा एम बी ए विच इज़ इक्वल टू एम ठीक है हमने एम उसको मान लिया ठीक है अब एम मान लिया उसको हम तो क्या करेंगे आगे हमारा क्या थाएंगा? अब वो होगा थीटा बी हमारा क्या होता है थीटा बी इज इक्वल टू एम एल अपॉन फोर ई आई ठीक है और एम बी ए क्या होगा एम बी ए इज इक्वल टू एम विच विल बी इक्वल टू फोर ई आई सॉरी ई आई थीटा कितना है हमारा थीटा बी अपॉन हमारा क्या हो गया एल अब ये क्या आ रहे हैं सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा पॉजिटिव फोर ई आई थीटा बी अपॉन एल ठीक है तो इट विल बी द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अब यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है द कॉन्जुगेट बीइंग फॉर अ फिक्स्ड बीम इज द कॉन्जुगेट अगर हम फिक्स्ड बीम का कॉन्जुगेट बीम बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा तो वो हमारा होगा बीम फ्री एट बोथ एंड्स चलो अब यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे हमारा क्या हो गया रियल स्ट्रक्चर और यहां पे क्या हो गया हमारा कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ठीक है ये हो गया हमारा सबसे पहला केस देख लेते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम का तो क्या होगा अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएंगे ठीक है अब यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं दूसरा हमारा क्या है कि हमारा अगर कैंटिलीवर बीम है तो ये क्या होगा जो फिक्स्ड बीम साइड होगा वो हमारा फ्री एंड हो जाएगा और जो फ्री एंड साइड होगा वो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा तो ये होगा उसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ठीक है अब और भी देख लेते हैं आगे थर्ड देख लेते हैं तो थर्ड कैसा है हमारा यहाँ पे मान लो कि हमारा हिंज है यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट है और ये ओवरहैंग है तो हमारा क्या होगा जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे कॉन्जुगेट बीम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जो हिंज है वो तो एज इट इज़ हिंज ही रहेगा ये रोलर सपोर्ट हमारा हिंज में हो जाएगा कन्वर्ट और जैसे हमने बोला था कि फ्री एंड किस में कन्वर्ट होता है फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है ठीक है तो ये हमारा फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है फिर फोर्थ केस देख लेते हैं फोर्थ केस है हमारा कि हमारा फिक्स सपोर्ट है फिर यहाँ पे हमारा रोलर लगा है यहाँ पे हमारा हिंज है फिर यहाँ पे अगेन हमारा यहाँ पे हिंज सपोर्ट है क्लियर हो गया ये सॉरी इंटरनल हिंज है फिर हमारा हिंज सपोर्ट है तो अगर अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा फिक्स का क्या हो रहा था फ्री एंड तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे हमारा रोलर का क्या आ रहा था रोलर का हमारा हिंज uh, क्या कहते हैं इंटरनल हिंज में कन्वर्ट हो रहा था इंटरनल हिंज जो है वो हमारा रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो हिंज सपोर्ट है वो हमारा हिंज ही रहेगा ठीक है समझ में आ गया फिफ्थ देख लेते हैं कि हमारा फिक्स सपोर्ट ये तो मैंने अभी आपको बताया पीछे ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा फ्री हो जाएगा यानी दोनों एंड्स हमारे कैसे हो जाएंगे फ्री एंड्स हो जाएंगे क्लियर हो गया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा रियल स्ट्रक्चर कैसे हो और अगर हम कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे उसको तो हमारा क्या होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोप्ड रिएक्शन ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम विद यू डी एल डब्लू किलोन्यूटन पर मीटर ऑन एंटायर स्पैन एल इज अब कितना होगा हमारा तो यहां पे हम देख लेते हैं बाय कॉम्पैटिबिलिटी नेट डिफ्लेक्शन एट बी विल बी इक्वल टू जीरो होगा ठीक है क्यों अब देख लो आप फिगर में ही देख लो ये हो गया हमारा फिगर क्या उसने बोला है प्रॉब्ड रिएक्शन ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम विथ यू डी एल डब्ल्यू हमने यूडीएल लगाना है तो हमने यूडीएल लगा दिया वो कितना है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर ठीक है फिर यहाँ पे हमारा हिन सपोर्ट है लेंथ की एंटायर लेंथ हमारा कैपिटल एल दे रखा है यहाँ पे हमारा रिएक्शन आ रहा है आर ठीक है तो ये हो गया हमारा जो केस है बीम का हमारा प्रॉपर्ड रिएक्शन का ठीक है अब यहाँ पे क्या है नेट डिफ्लेक्शन तो हमारा बी पे हमें दिख रहा है कितना आएगा ये पॉइंट बी है ये हमारा ए है तो बी पॉइंट पे हमारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द सपोर्ट बिकॉज ऑफ़ द हिन्न सपोर्ट तो वहाँ पे हमारा ज़ीरो हो गया अब क्या करते हैं नेट डिफ्लेक्शन ज़ीरो है तो इसको हम देख लेते दे। हैं तो ये हमारा क्या आएगा डब्ल्यू एल्ट दिपा फोर अपॉन एट ई आई माइनस आर एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई तो हमारा नेट डिफ्लेक्शन कितना आया जीरो अब ये क्या है कि ये हमारा डिफ्लेक्शन ड्यू टू यू डी एल है डू टू यू और ये क्या है हमारा डिफ्लेक्शन ड्यू टू हमारा ड्यू टू रिएक्शन आर रिएक्शन आर ठीक है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि हमारा क्या होगा W L टू दावर फोर अपॉन एट ई आई विल बी इक्वल टू आर एल क्यू अपॉन थ्री ई आई हमारा ई आई ई आई कैंसिल हो गया L टू दावर थ्री यहाँ पे कैंसिल हो गया ये L बचा तो कितना आ रहा है हमारा आर आर आ रहा है हमारा थ्री डब्लू एल अपॉन एट तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा थ्री बाई एट इंटू डब्ल्यू एल थ्री बाई एट इंटू डब्ल्यू एल दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द स्टिफनेस ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर इज इक्वल टू अब स्टिफनेस ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर हमारा किसके बराबर होगा अगेन प्रॉप्ड कैंटिलिवर है तो हम बना लेते हैं ठीक है ये हमारी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गई ई आई इसकी हम मान लेते स्टिफनेस लेंथ एल हो गया ये ए पॉइंट हो गया ये बी पॉइंट हो गया यहाँ पे मोमेंट आ रहा है यहाँ पे भी मोमेंट आ रहा है यहाँ पे इसको एम मान लेते हैं हम और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है सॉरी ठीक है यहाँ पे ये यह आ रहा है थीटा बी ठीक है अब उसने क्या पूछा है कि द स्टिफनेस ऑफ द प्रॉप्ट कैंटिलीवर इज इक्वल टू तो स्टिफनेस हमें कैलकुलेट करनी है तो हम पहले क्या देख लें हमें पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा तो थीटा बी विल बी इक्वल टू एम एल अपॉन फोर ई आई ठीक है अब क्या है कि हम यहाँ से मोमेंट निकाल लेंगे मोमेंट हमारा कितना आएगा फोर ई आई अपॉन एल इन टू थीटा बी ठीक है तो हम इसको मान लेते हैं इफ़ थीटा बी इज इक्वल टू वन देन अब हमारा इस कंडीशन में मैंने पीछे अभी आपको कंडीशन बताई थी कि हमारा अगर यूनिट रोटेशन होगा तो यूनिट रोटेशन के टाइम पे हमारा क्या होता है मोमेंट इज इक्वल टू स्टिफनेस हो जाता है ठीक है अब मोमेंट इज इक्वल टू स्टिफनेस हो गया तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे मोमेंट इज इक्वल टू स्टिफनेस दैट विल बी की हमारा स्टिफनेस किसके बराबर हो जाएगा हो जाएगा वो फोर ई आई अपॉन एल इन थीटा बी थीटा बी की वैल्यू क्या है वन यानी फोर ई आई अपॉन एल फोर ई आई अपॉन एल कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अब नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ बीम ए बी एंड ए इज फिक्स्ड द रिएक्टिंग मोमेंट एम बाई टू एट द एंड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट एम एट बी इज नोन एज ठीक है तो अब उसको क्या बोलेंगे हम कैरी ओवर मोमेंट ठीक है देखो अब क्या है यहां पे ये हमारा बीम स्ट्रक्चर हो गया ठीक है अब यहां पे हमारा मोमेंट एम है तो अब इस मूवमेंट की वजह से यहां पे जो मूवमेंट जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे यानी मोमेंट एट ए जो पहले तो कितना जनरेट होगा वो बोल रहा है कि जनरेट कितना हो रहा है रिएक्टिंग मूवमेंट हमारा कितना जनरेट हो रहा है एम बाई टू अब ये जो एम बाई टू है इसको हम बोलते क्या हैं तो इस एम बाई टू को हम बोलेंगे अपना कैरी ओवर मूवमेंट ठीक है इसको हम बोलेंगे अपना कैरी ओवर मोवमेंट अब हम कैरी ओवर फैक्टर आपको पता ही है कैरी ओवर फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं तो कैरी ओवर फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा कैरी ओवर मोमेंट एट फारद एंड ठीक है जो यहाँ पे है ए A, A, अब क्या हो गया फिर अप्लाइड मोमेंट एट नियर एंड बी ठीक है ये हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे हमारा अप्लाइड क्या था एम एम की वजह से जो हमारा रिएक्टिंग मोमेंट जनरेट हुआ उसने क्या बोला है वो कितना जनरेट हुआ एम बाई टू और यही एम बाई टू हमारा क्या बोलेंगे इसको हम कैरी ओवर मोमेंट बोलेंगे क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे जैसे सी ओ एफ अगर हमें निकालना है इस केस में तो क्या आएगा एम ए अपॉन एम एट बी विच उड बी इक्वल टू एम बाई टू अपॉन एम विच इज इक्वल टू वन बाई टू यानी कि कैरी ओवर फैक्टर हमारा कितना हो गया यहाँ पे इस केस में हो गया वन बाई टू आई गेस समझ में आ गया होगा आपको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सपोर्ट मोमेंट इन अ फिक्सड बीम कैरिंग यू डी एल ऑन सॉरी यूडीएल डब्लू ऑन स्पैन एल ठीक है चलो क्या बोल रहे वो फिक्सड बीम है तो पहले हम फिक्स बीम बना लिए हो गया हमारा फिक्स बीम फिक्स्ड बीम पे अब क्या बोल रहा है वो यू डी एल लग रहा है तो हमने फिक्स्ड बीम पे क्या लगा दिया यूडीएल ठीक है फिर क्या हुआ हमारा ये डब्लू हो गया ठीक है डब्लू पर यूनिट रन हमारा चल रहा है ये फिर अब ये स्पैन की लेंथ क्या है हमारी एल ठीक है हम इसको एल मान लिए अब देखो अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो इसका बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा ऐसा ठीक है ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया और जो इसका मिड पॉइंट पे यानी एल बाई टू डिस्टेंस पे हमारा जो ये मोमेंट आएगा वो आएगा डब्ल्यू एल स्क्ट ठीक है ये L इधर है इसको मिक्स नहीं करना है ठीक है ठीक है L बाई टू पर जो हमारा मोमेंट आएगा वो आएगा हमारा W L स्क्वायर बाई एट अब यहाँ पे अगर हम इसका क्या कहते हैं कि फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो हमारा फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम यहाँ पे कुछ बनेगा ऐसा रेक्टेंगल शेप का और यहाँ पे क्या होगा हमारा यहाँ पे भी ये एम होगा यहाँ पे भी ये एम होगा यानी एंड ए पे भी बी पे भी ए बी ए बी ठीक है पर ये किससे आएगा ये नेगेटिव टर्म आएगा हमारा अब ये देख लेते हैं कैसे आता है तो हम क्या करेंगे कि हम अब एरियाज़ को इक्वेट करेंगे किसके किसके एरिया को हमारे नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट को हमारे फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट एरिया को ठीक है तो वो हमारा कितना हो जाएगा ऑन

कितना आ जाएगा एम हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इसको सॉल्व करके ये हमारा ट्वेल्व आएगा ठीक है अब यही एम क्या है ए और बी पे इक्वल है दैट मीन्स की इट विल बी इक्वल टू एम ए एंड इट विल बी इक्वल टू एम बी यही हमारा दोनों जगह फिक्स्ड है आएगा क्लियर हो गया तो हमारा कितना आ रहा है सपोर्ट मोमेंट यानी कि दोनों सपोर्ट पे हमारा मूवमेंट कितना आ रहा है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही ठीक है अब हम कल अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा जो भी होगा वो कल लास्ट होगा क्योंकि आपको पता है कि परसों हमारा क्या है एग्जाम होगा ठीक है और आई होप अब तक आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई होगी और इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता भी चल गया होगा कि आप कितने क्वेश्चन को सही आंसर कर पा रहे हैं और आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प करना है क्लियर हो गया चलो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू